दुनिया के बहुत से देशों से गुजरने वाले चीन के वन बेल्ट वन रोड ओबीओआर प्रोजेक्ट को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक UNESCAP की हाल की एक स्टडी में दक्षिण और मध्य एशिया के उन देशों के कर्ज में फंसने की चेतावनी दी गई है जिनमें चीन की ओर से घोषित इन्वेस्टमेंट की वैल्यू संबंधित देश की अर्थव्यवस्था के साइज की तुलना में अधिक है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 2015 में चीन और उज्बेकिस्तान के बीच साइन की गई 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट डील उज्बेकिस्तान के GDP के लगभग 1/4 के बराबर है। इसी तरह 2014 के अंत और 2015 की शुरुआत में कजाकिस्तान के साथ हुए चीन के कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स और अप्रैल 2015 में चीन पाकिस्तान के बीच 46 अरब डॉलर का एग्रीमेंट कजाकिस्तान और पाकिस्तान के GDP के 20% से अधिक का है। पाकिस्तान में अब चीन का इन्वेस्टमेंट 62 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। स्टडी में कहा गया है कि अक्टूबर 2016 में चीन और बांग्लादेश के बीच हुआ अग्रीमेंट बांग्लादेश के GDP के लगभग 20% के बराबर है। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की स्थिति खराब है और उसके पास 2017 की शुरुआत में केवल 4 महीने के इंपोर्ट के लिए ही फॉरेन करेंसी रिजर्व था। स्टडी में चीन की ओर से इन देशों को दिए जा रहे कर्ज के बारे में कहा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आसानी से विदेश से कम ब्याज दर पर लोन मिलने से इन देशों का ट्रेड बैलेंस बिगड़ सकता है और मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति खराब हो सकती है। चीन की फंडिंग वाले प्रोजेक्ट्स के कारण श्रीलंका कर्ज के भारी बोझ का सामना कर रहा है। श्रीलंका का कुल कर्ज 60 अरब डॉलर से अधिक का है और उसे इसमें से 10% से अधिक चीन को चुकाना है। श्रीलंका सरकार ने कर्ज के संकट से निपटने के लिए अपने डेट को इक्विटी में तब्दील करने पर सहमति दी है। इससे श्रीलंका में मौजूद प्रोजेक्ट्स पर चीन का मालिकाना हक बनने की स्थिति आ सकती है। ओबीओआर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। चीन सरकार का अनुमान है कि उसका इन्वेस्टमेंट लगभग 4 लाख करोड़ डॉलर का होगा।